I am ready. ये ना मानो फिर. Start. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो हम अपने तमाम साथियों को, बिलखुसूस सहाफ़ी साथियों को का शुक्रगुजार हैं कि आप मुख्तसर वक्त में आए. आपके साथ हमारे मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथियों के साथ साथ बाजार एसोसिएशन के हमारे जिम्मेदारान और नौजवान साथी यहाँ मौजूद हैं. और आज हम चूंकि काफ़ी जज्बात में थे, आपको मालूम है कि हंजा में और बिलखसूस आज जो खसूसी बातचीत होगी वो गोजाल सब डिवीज़न के हवाले से बात होगी. और यहाँ पे इस वक्त जो मौजूदा बिजली की सूरत हाल है वो इतनी तश्वीशनाक हो गई, इतना तकलीफदा हो गया, एहसाब शिकन हो गया कि उस पर हमें कुछ मुख्तसर आपसे गुफ्तगू करने की हमें ज़रूरत पड़ी. ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, सरकारी ज़राए महकमे बरक़ियात के ज़राए के मुताबिक तकरीबन 2700 से 3 मेगावाट की बिजली इस वक्त गोजाल में इसकी पैदावारी सलाहियत आज भी मौजूद है, जिनमें कि शाम को 1 मेगावाट का जनरेटर भी चल पड़ा है. और इस असना में मुख्तलिफ इलाकों में, गोजाल भर के मुख्तलिफ इलाकों में, रेंडम आपको बता रहे हैं कि वहां से 42 घंटे से 72 से 78 घंटे की लोड शेडिंग है गैर ऐलानिया. लोड शेडिंग तो है जो उन्होंने शेड्यूल दिया है उससे हटके गैर ऐलानिया लोड शेडिंग करके इंसानी जिंदगी को इन्होंने अजीरा बनाया हुआ है. इस बुनियाद पर आज हमारे नौजवान और मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी, हमारे अहबाब, हम ख्याल लोगों की खसूसी नशस्त ने चंद करारदाद के हवाले से चंद फैसले किए हैं. और उस हवाले से आज ही हमारे महकमे बरक़ियात के कुछ ज्यादा आला अफसरान से नहीं लेकिन जो इस इलाके के जिम्मेदार अफसरान से बातचीत हुई और उनका बड़ी हमदर्दाना हमें उन्होंने ब्रीफिंग दी है. लेकिन वो चूंकि माजी के कई अदवार से हम ये ब्रीफिंग सुनते आ रहे हैं और वो ये नाकाबिल यकीन डिक्लेयर करके आज ये हम इस फॉरम से मुतालबा कर रहे हैं. जो करारदाद में हमारा पहला पॉइंट है कि 3 मेगावाट की सरकारी बिजली जो प्रोड्यूस हो रही है गोजाल में, क्योंकि इसके अंदर भी UC1 UC2 है, इनको आबादी के एतबार से इस बिजली को 3 मेगावाट को डिस्ट्रीब्यूट करें और उस इलाके के जिम्मेदारान और अवामी जिम्मेदारान सिविल सोसाइटी के लोगों से मिलकर उसकी प्रॉपर शेडिंग की जाए. यह हमारा पहला मुतालबा है जो 3 मेगावाट यानी 1500 हमारे हिस्से में आती. और गोजाल तो लोड शेडिंग फ्री डिक्लेयर होता है मेरे भाई. दूसरा ये हुआ कि गोजाल में, खसूसी गोजाल में, ये दुनिया का वाहिद खिता है यहां नए नए तजुर्बे होते हैं. हर आदमी जिसके पास 1,25,000 रुपए है उसने अपने होटल के नुक्कड़ पे अपना ट्रांसफार्मर लगाया और ट्रांसफार्मर लगा के खुला बदमाशी करता है, गुंडागर्दी करता है. और इन गुंडा और इन माफिया के सरदार लाशारी साहब का लेक्सस है और वहां पे उनको दिन दहाड़े मर्जी के अगर कोई भी साहब किसी भी मोड में आए पूरा इलाके की बिजली ऑफ करके उन इलाकों में उनके स्पेशल ट्रांसफार्मर पे स्पेशल लाइन दी जाती. ये भी अनहोना वाकया है. जबकि अवाम में गोजाल बेचारे मोबाइल, आजकल तो हमारे सबके अंदर ये बीमारी आए ना मोबाइल वाली, वो चार्ज भी नहीं होता है और उनका कोई पूछने वाला नहीं है और उनकी सरकारी सरपरस्ती की जा रही. साथ में आपको बताते चले कि हमारे इस इलाके चूंकि सब डिवीजन बनने के बाद SDO सब डिविजनल ऑफिसर बैठता है महकमे बरक़ियात को और उनके साथ है और सीर और मुख्तलिफ तबका, ये इस इलाके में पिकनिक मनाने आते हैं. जब बर्फबारी होती है तो पिकनिक के लिए जरा बर्फ पे स्लाइड करके आते हैं. अब जरा मौसम बेहतर हो गया तो शाम को चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाने के बाद यहां से इस तरह जाते हैं जैसे ये कोई पंजाब के सयाह. हम रोए तो किसके सामने रोए, वो बेचारे लाइन मैनों की हमारे खानदानी दुश्मनी शुरू हो गई है. SDO और वर्सीर इस इलाके में बैठते नहीं है और इन इलाकों में मफादात नहीं है बल्कि यहां से बिजली चोरी करवा के दूसरे इलाकों में अपना नंबर बढ़ा रहे हैं. लिहाजा उनके लिए रिहाइश का सरकार बंदोबस्त करे, रियासत बंदोबस्त करे और अब के बाद SDO और जितने सरकारी बिजली के जिम्मेदारान हैं जिनको सब डिविजन में बैठना चाहिए उनको यहां पर बिठाया जाए. साथ ही प्रोफेशनलिज्म की कमी है. ये पावर हाउसेस के अंदर मशीनें शायद सोने की चिड़िया बनी हैं रियासती अदारों के जिम्मेदारान को, महकमे बरक़ियात के अफसरान को, या तो ये नाअहल है इसको चला नहीं सकते. अभी भी एक पावर हाउस की मशीन खैबर वाली कहीं नेवो वर्कशॉप में और वहां पे अभी हमें बता रहे हैं 12 दिन इंतजार करो, पिछले वाले ने 12 दिन का, फिर एक ने आया 10 दिन का. तो ये ड्रामाबाजी नहीं चलेगा, कभी इनकी पुल्ली निकलती है, कभी इनका रनर निकलता, कभी पिकिंग होती है. तो मेरे ख्याल से
ये जो अनप्रोफेशनलिज्म है और जो मशीनरी के मेंटेनेंस के नाम पर इलाके के लोगों के साथ जो ज्यादती हो रही है ये कबूल नहीं है, और उसकी बुनियाद पर उन गोजाल सब डिविजन के आवाम को अंधेरे में रखने की साजिश हम नहीं मानते। साथ ही यकीन हम इस बात को समझते हैं कि एसडीओ और उनके अफसर यहां बैठे हैं तो यहां लोकल मुलाजमीन की सेफ्टी, उनके लिए गाड़ी मोटरसाइकिल और उनके लिए जो काम के लिए जो एक्चुअल एनवायरमेंट होती है, रोज रोज हमने देखा गिलगित बल्तिस्तान में मरते हैं, हमारे इस इलाके में हादसा हो, इनको कोई सहूलत मौजूद नहीं। हम सब की चढ़ाई उनके ऊपर है, उनको भी अपनी अहलियत और सलाहियत बढ़ाना होगा। आप इस इलाके के बेटे हैं, आप इस तरह काम चोरी भी ना करें, आप काम चोरी ना करें, मेहनत करें, हम आपके पुश्त पे हैं, रियासत आपके पुश्त पे है, आपके सहूलत के लिए हम लड़ेंगे। तो लिहाजा रियासती अदारे और महकमे बरकयात के लोग उनके लिए भी जरूरी इकदाम करें। शायद महकमे बरकयात ने टास्क दिया है, आपने 20 लाख लाना है बिल, बिजली तो होती नहीं है, सुबह उठते हैं तो हमारे घर के दरवाजे पर उसने अपना बिल सारे लाएंगे तो 12,000 50,000 3,000 4,000 वो जिनके घर में ताला लगा हुआ है, कभी उसमें बंदा कराची मालदीव भूटान में बैठा हुआ है उसके भी 3,000 बिल आता है। वो आसान हदफ है और रजिस्टर में कदम है। ओवर बिलिंग एक फैशन बन गया, और शायद ये अपनी नौकरी पक्की करने अपने प्रोग्रेस दिखाने के लिए ना करें। बिजली है नहीं, जो हम बिजली कंज्यूम करते हैं उसका हमें बिल मिलना चाहिए। इन तमाम के लिए गुज़श्ता कई अदवार से हमारे मुख्तलिफ सियासी साथी, मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी, बाजार एसोसिएशन सोस्त और बाजार एसोसिएशन गुलमित के लोग लड़ते रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और अब हमें अंदाजा हो गया कि इस मौजूदा हुकूमत के दौरान जत्ते का काम कामयाब। चौक में खड़ा हो जाओ, हमारे साथ पीटीआई के साथी भी मौजूद है, ये नहीं कि हम कोई उनके मुखालिफ हैं, अच्छी चीज करेंगे तो उस पर काम करेंगे। तो ये एक एहतजाज की कॉल देने जा रहे हैं, उससे पहले आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं अपने साथियों की इजाजत से, चूंकि यहां मीटिंग में यह तय हुआ था कि पोपदन में आज से 3 साल पहले एक केएफडब्ल्यू और गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर जेबी है, उसके अंदर 3 साल से प्रोजेक्ट अप्रूव है, पैसे आया हुआ है, रोज रोज अजीब गरीब लोग आके फंसो में, उन्होंने कम्युनिटी से वादा किया, कम्युनिटी ने जमीन दिया, हम शुक्रगुजार हैं फंसो के कम्युनिटी के। वो क्यों नहीं हो रहा है? सेक्शन 144 इंपोज किया है वापड़ा की तरफ से 54 मेगावाट की आड़ में, हुंजा के सब डिविजन गोजाल के अंदर सेक्शन 144 यानी दफा 144 नाफिज करके कंस्ट्रक्शन पर पाबंदी लगाया, और बताया क्या 2421 मीटर से नीचे यानी सतह समंदर से 2421 मीटर से नीचे तामीरात पर पाबंदी है। पहले तो इस पर एतराज है, लेकिन आज भी लाशारी साहब कंक्रीट के दीवार बना रहे हैं, पीसी के बदमाश और होंडे जो बड़ों के बड़े चर्चीले हैं वो वहां काम कर रहे हैं, हम मकामी लोगों को रोक रहे हैं। एक तो ये तरह, दूसरा वापड़ा अगर बिजलीगढ़ बना रही है तो इससे पहले आताबाद झील में जिनकी जमीनें सब बर्ज हुई है, जो जमीन के अंदर है हमारी पूरी जागीर अंदर है, उनका असेसमेंट होगा, असेसमेंट के बाद हमारे स्टेक होल्डर्स के जमीन मालिकान से गोजाल के जिसका भी जमीन जाता है उनके साथ रेट तय होगा। रेट तय होने के बाद ध्यामर भाषा डैम में आपने ध्यामर के भाइयों के साथ जो धोखा किया, अब हुंजा और खसूस गोजाल के आवाम के साथ, शिशगढ़ गुलमित आयनाबाद फसो और हुसैनी के लोगों के साथ हम आपको इस तरह के दो दो हाथ करना नहीं देंगे। आप उनके बच्चों की मुलाजमत का भी हमें तहरीरी तौर पर मायदा करेंगे। आप 9 से नीचे हमारे इन इलाकों के जो जमीनें गए उनका हक है, उसके बाद सब डिविजन का हक, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हुंजा का हक है, तीसरा आदमी बाहर से नहीं आएगा। अगर आप इसमें कोई रुकावट डालेंगे फिर आपके साथ दो दो हाथ करेंगे, उसका फैसला बाद में होगा। तमाम चीजों के लिए महकमा बरकयात, जिला इंतजामिया और तमाम स्टेक होल्डर से रोज रोज के हमारे मुख्तलिफ वजूद मुलाकात करके थक है। लिहाजा हम हुकूमत वक्त महकमे बरकयात के नुमाइंदों को खसूसी तौर पर बताना चाहते हैं कि एक दिन का मोहलत है, एक दिन की मोहलत है, यानी कल का दिन आपके पास है, आज शाम रात 12 बजे से लेकर कल सुबह तक आपके पास टाइम है, अपना किबला दुरुस्त करें, गोजाल के अवाम को, यहां के सताए हुए अवाम को आप हकायक बता दें, उनके सामने अपना दरीना जो आप करने जा रहे हैं हकीकत पर मबनी अगर उनको मुतमईन करते हैं तो ठीक, वरना परसों यानी कल का गैप आपको टाइम परसों 12 बजे इंशाअल्लाह ताला शाहराए कराकरम पे हमारे सब डिविजनल हेडक्वार्टर गुलमित में असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर का बाकायदा घेराव किया जाएगा और साथ ही शाहराए कराकरम को बंद कर दिया जाएगा। मैं अपने बाजार स्टेशन का हमारे साथी हूं, सब बाजार स्टेशन को उस दिन शटर डाउन होगी, 1 पॉइंट एजेंडा बिजली होगी, और जब तक हमारे मुतालबात हल नहीं होंगे हम रोड पर बैठेंगे। और अभी हमारी प्लान बन रही है, हम अपनी माँ बहन बेटियों को, अपने तमाम बुजुर्गों को, तमाम सियासी जमातों को, स्टेक सिविल सोसाइटी के लोगों को, सताए हुए लोगों को, फेसबुक के मुजाहिदों को दावत देते आ जाएं, अब आ जाएं, अब हुकूमत के साथ हम रोड में, ये आपका कानूनी और आईनी हक है,
और इस हवाले से हमने इंतजामिया को आगाह किया, और इस दौरान अगर कोई होशियारी करता है, रियासत को बताना चाहते हैं, बिलखसूस हुकूमत को बताना चाहते हैं कि आप होशियारी ना करें, हम पुरामन एहतजाज करते हैं, आईन और कानून ने जिसकी हमें इजाजत दी हम उस दायरे के अंदर एहतजाज करें, इंशाल्लाह होगा। और वो जो लोग हैं जहां जहां मेरी आवाज सुनते हैं, हमारी टीम भी आएगी, लाउड स्पीकर पर ऐलान भी होगा, हतमी होगा, फाइनल होगा। इसमें आज हम हुंजा के अंदर बिलखसूस और बिलोम गोजाल के अंदर अपने बिजली के मामला को शारा कराकुरम में बैठ कर किसी चौक चौराहे में अपना मसला हल करेंगे, क्योंकि दफ्तरों में हमारे जूते घिसके, बुजुर्गों के जूते घिसके, बाजार एसोसिएशन के, सिविल सोसाइटी अस्पताल, गुलमित अस्पताल अकलौता। कल परसों भी एक अलमनाक हादसा हुआ, अस्पताल में कुछ है नहीं, लाइट होती नहीं है, आप वहां नहीं देते हैं। तो मेरे ख्याल से बड़े मसाइल इन पर बातचीत होगी। तो मैं अपने कौम से, गोजाल के आवाम से दरख्वास्त गुजार हूँ कि पुरामन एहतजाज है, हमारा आपका जमहूरी और आइनी हक है, हम अपना एहतजाज करेंगे और इंशाल्लाह चौक चौराहों में हमारे मसले 7 तारीख को 12 बजे तहसील ऑफिस का घेरा होगा, शारा करा बंद होगा। माँ बहन बेटियों से दरख्वास्त है, नौजवान साथियों से गुजारिश करूंगा, इसको सोशल मीडिया पे भी चलाएं, हमारे लाउड स्पीकर भी ऐलान होंगे, तमाम लोगों को इतला दी जाएगी। और हम कमिटेड हैं अपने हुकूक के उसूल के लिए हैं, पुरअमन होगा, और अगर किसी ने इसमें दो दो हाथ करने की कोशिश की, जिम्मेदार वो खुद हूं। तो बहुत शुक्रिया।